गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि क्योंकि न्यूज़ में भी आ गया कि हल्द्वानी में शूटिंग चल रही है एक वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है अतिथि सत्कारम। और आज उसका शूटिंग का डे वन है और अभी आज है माता की चौकी। और ये कोइंसिडेंट है और बहुत ही मधु के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज माता की चौकी के साथ साथ आज उसकी एनिवर्सरी भी है और शूटिंग भी हमारे ही घर में हो रही है और एनिवर्सरी भी हमारी मधु की है। तो यहाँ पे चलिए शूटिंग, और हम अब तैयारी कर रहे हैं केक कटिंग की। हम केक कटिंग करेंगे मधु के भांजे और बेटी दामाद आए हुए हैं, तो अभी हम केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर देखिए एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी आनंद लीजिए वीडियो का। पेमेंट कम, अरे घबरा हूँ, पेमेंट पूरी होगी 25,000। इतने दिल निकाल दिए तूने, आपने फोटो खींची कि नहीं? और अब बारी आ गई विराट बाबू की। विराट बाबू खिला रहे हैं अपने मम्मी पापा को केक, और उसके बाद फटाफट हम चलेंगे माता की चौकी में, क्योंकि माता की चौकी भी स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट हो चुकी है, आह्वान चल रहा है। और यहाँ सत्या विहार की जो समस्त महिला मंडली है वो पहुँची हुई है, वो भी उनका ड्रेस कोड लाल साड़ी में सारे पाप पहुँचे हुए हैं और सभी लोग बहुत आनंद लेते हैं। और वैसे भी सत्या विहार में वो रस है, वो आनंद है, वो एनर्जी है, वो एकता है, जो कि कहीं भी नहीं आपको मिलेगी। अब तो आपको पता है वर्ल्ड फेमस हो चुका है हमारा सत्या विहार, दूर दूर तक पता है भाई सत्या विहार हल्द्वानी में है कोई सत्या विहार। और ये एनिवर्सरी मधु के लिए बहुत यादगार रहेगी, मतलब ऐसी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो लोग कितना एफर्ट लगाने से भी नहीं कर पाते, बट मधु का विदाउट एनी एफर्ट ये सब कुछ संभव हो गया और इतना अच्छा हो गया, इतना यादगार पल बन गया। और ऑल क्रेडिट गोज टू खुशी जोशी अधिकारी, क्योंकि खुशी की चौकी थी, यानी कि खुशी ने जो ये माता का दरबार लगाया था, जो कि जो वेब सीरीज़ है हमारी अतिथि सत्कारम, हमारी तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में हो रही है और हमें बिल्कुल वो अपने जैसी ही लग रही है। तो उस वेब सीरीज़ के दौरान जो चौकी का दरबार लगा था उसमें ही मधु और महेश भैया, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। भैया ने उसको सारे जो सुहाग में, मैया के सुहाग में जितनी भी चीज़ें चढ़ती हैं वन बाय वन करके देखिए सारी पहनाई, बिंदे, सिंदूर, टीका, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, सब चीज़ पहनाया और सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। तो ये मधु के लिए बहुत यादगार पल बन गया। हालांकि मधु की ये 22वीं सालगिरह ही थी, लेकिन रस तो ऐसे बरसा जैसे कि ये उसकी 25वीं शादी की सालगिरह। लोग बाग 25वीं शादी की सालगिरह में ऐसा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मधु का तो 22वीं में ही संभव हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, सभी ने बहुत का
और यहाँ पर आ गई हैं हमारी माता जी यानी कि सासू माँ अपने बहू बेटों को आशीर्वाद देने। और देखिए कितना मस्त सा डांस करा है उन्होंने।